हेलो एवरीवन, वेलकम टू शविस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी दही फ्राई, जिसके लिए हमने 200 ग्राम दही लिया है, एक छोटे साइज का टमाटर जिसको हमने काट लिया है, कोरिएंडर लीव्स, एक छोटे साइज की प्याज, ये हमने मसाले लिए हैं, आधा टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। पैन हमने गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसमें डालेंगे जीरा और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। जीरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ऑनियन और इसको हम भून लेंगे। हमने भून लिया है, इसमें डालेंगे टमेटो, इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, इसको भी भून लेंगे, तो मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, ये हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे दही, गैस को हम फौरन बंद कर देंगे। गैस को हमने इसलिए बंद कर दिया है ताकि हमारा दही फटे नहीं, तो मिक्स कर लेंगे। दही फ्राई हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, दही फ्राई बन चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।